आइए आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 की चर्चा को पार्ट 19 में आगे बढ़ाएं। आप सबका इस चर्चा में स्वागत है। जैसा मैंने कल कहा था, एजुकेशन से संबंधित प्रावधानों की हमने चर्चा की थी और एजुकेशन संबंधी चैप्टर पर कल बातचीत समाप्त की थी, और मैंने कहा था कि दो और सेक्शंस हैं, उन पर चर्चा करूंगा, सेक्शन 31 और सेक्शन 32, जो चैप्टर 6 में हैं, क्योंकि वो भी शिक्षा से संबंधित हैं। और उसके अलावा असिस्टिव डिवाइस को लेकर जो मैंने बात कही थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जो तर्क रखा गया इस असिस्टिव डिवाइस ना देने के लिए, उसके संबंध में भी कुछ प्रावधान हैं, उनकी चर्चा दूसरे चैप्टर्स में है, वो भी आज करूंगा। इससे पहले कि उस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं आज शुरुआत उस बात से करूंगा जो मैंने कल कही थी दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जाम्स को लेकर, और जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमारे ही कुछ साथी ओपन बुक एग्जाम की वकालत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपने घर वालों से भी लिखवा सकते हैं, वो लोग जमीनी सच्चाई से बहुत दूर है। हमारा दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं हमारे बड़े ग्रामीण इलाकों से आते हैं, निर्धनता के बीच होते हैं, और वहाँ ये उम्मीद करना कि वो स्वयं राइटर का राइट अरेंजमेंट कर लें और एग्ज़ाम दे दें ओपन बुक, और या उनके परिवार का कोई उनके लिए लिख दे, उनको धरातल की सच्चाई नहीं पता है। धरातल पर जो वस्तु स्थिति है उसका बिल्कुल एहसास नहीं, और एक्ट में जो कहा गया है, इसीलिए सेक्शन 17 में आपने देखा क्या कहा गया, मॉडिफिकेशन, किस किस चीज का संशोधन, एग्जामिनेशन का, करिकुलम का, और उस एग्जामिनेशन के संशोधन में स्क्राइब की फैसिलिटी प्रोवाइड करना बहुत आवश्यक है। मैंने पता नहीं कल आपसे साझा किया नहीं किया, राजस्थान में जो रीट से संबंधित केस था उसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने ये बात कही है कि राइटर को उपलब्ध कराना, सही राइटर को, प्रॉपर राइटर, इसका एक वर्ड है वहां, और साथ ही एग्जाम से पूर्व उस राइटर का और स्टूडेंट की मुलाकात आवश्यक है ताकि वो आपस में कंफर्टेबल हो सकें, समझ सकें एक दूसरे को, ये बहुत आवश्यक है। तो ये जो बातें हैं इस पर, ये तो न्यायिक प्रक्रिया से पहले गुजर चुकी हैं, और ये न्यायालय का जो निर्णय है ये इसको कोई किसी ने चुनौती नहीं दी, ये न्यायालय का निर्णय अंतिम है। तो जो ओपन बुक एग्जाम के वकालत करने वाले लोग हैं अपने अपने स्वार्थों की वजह से, वो सच्चाई से बहुत दूर हैं, वो आरपीडी एक्ट के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको इसकी इजाज़त संगठन नहीं देगा, और इस एक्ट को अपहोल्ड करते हुए हम छात्रों और छात्राओं के हित को सुरक्षित रखेंगे। फ्रेंड्स, एज आई सेड, वी विल टेक अप द डिस्कशन फर्दर इन पार्ट 19 ऑफ दिस ऑनगोइंग डिस्कशन ऑन आरपीडी एक्ट 2016, एंड वी विल बी deliberating on section 31 and 32, which though are in chapter 6, which is special provisions for persons with benchmark disabilities, but are directly linked with education. One is linked with school education and the other is linked with higher education. But before doing that, and we will also deal with certain provisions relating to assistive devices and rehabilitation, which have a bearing on the facilities for education.
बिफोर डूइंग दैट आई वुड लाइक अगेन टू एम्फसाइज दैट दोज हु आर स्टिल एडवोकेटिंग फॉर पार्टिसिपेशन इन ओपन बुक एग्जाम टू बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली particularly for VIE students, they are far away from ground realities in which our blind students are placed. They are arguing that their family members can write the exam, but they do not know whether there are family members who are educated enough to take this role of scribe, and whether they are in such areas where they could arrange the scribe from outside, and also whether in the present scenario anyone would be willing to take up the role of scribe because of the fear of life, as I said. If it is so, why university is not able to arrange for everyone? The reason is quite obvious, that in the present situation which is obtained due to the spread of coronavirus so fast, there is a fear of life in the mind of everyone, and therefore nobody would like to expose himself or herself for taking up this role of scribe, thereby endangering his or her life, or at least enhancing the chances of the spread of coronavirus or infection of coronavirus. तो आइए अब हम सेक्शन 31 पर आए, जो चैप्टर 6 में है, और ये जो जैसा मैंने कहा स्कूल एजुकेशन से संबंधित है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट राइट हमको देता है. आप जानते हैं कि आरटीई एक्ट में नॉन डिसेबल्ड बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का इंतजाम है, लेकिन इसमें जैसे आप देखेंगे दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा मुफ्त का अधिकार दिया गया है. और ये सेक्शन का जो इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 1 है, यहाँ पर दो इसके सबसेक्शंस हैं, दो उपधाराएं हैं सेक्शन 31 की. सेक्शन 31 की पहली उपधारा जो है, पहला क्लॉज जो है, वो नॉन अब्सटेंटिव क्लॉज से शुरू होता है, अर्थात वो जो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के प्राविधानों के होते हुए भी, या उन प्राविधानों में कुछ भी कहा हो उसके बावजूद, क्या कहता है ये सेक्शन? Every child with benchmark disability, हर दिव्यांग बच्चा जो 6 से 18 वर्ष की आयु तक free education, मुफ्त शिक्षा किसी भी पड़ोस के विद्यालय में या विशेष विद्यालय में अपने विकल्पों के आधार पर ले सकता है, अपनी पसंद के आधार पर ले सकता है. तो सबसेक्शन 1 जो सेक्शन 31 का है, वो एक तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2005 में जो 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा की बात है, उसको बढ़ा के 18 वर्ष की आयु तक कर देता है, जिसका मतलब ये है कि अगर 6 साल से आपने शिक्षा प्रारंभ की तो 12वीं तक आप कम से कम फ्री एजुकेशन के हकदार. और ये जो मुफ्त शिक्षा है वो आपकी
आपके पास आप अपनी पसंद से किसी मुख्य धारा के स्कूल में पड़ोस के ले सकते हो या किसी विशेष विद्यालय में ले सकते हो। अर्थात ना तो आपके माता पिता आप पर थोप सकते हैं, ना आपके ना सरकारें थोप सकती हैं कि आपको केवल पड़ोस के मुख्य धारा के विद्यालय में ही मुफ्त शिक्षा लेनी है। नहीं, आप विशेष विद्यालय में जाना चाहते हैं तो आप विशेष विद्यालय में ही आपको शिक्षा मिलेगी मुफ्त और आपका एडमिशन होगा। ये सुनिश्चित करना, वो जो नोडल ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट में, नोडल जिसकी मैंने नियमों से कल चर्चा की थी, उसकी जिम्मेदारी होगी। जो मैंने पहले ही कल आपको बताया था, ये प्रोविजन हम लोगों ने डलवाया क्योंकि पहले दिव्यांग संगठनों में मुख्य रूप से जावेद आपजी जी के संगठन ने साफ साफ ये कहा कि स्पेशल स्कूल्स बंद हो जाने चाहिए और केवल मैंने और पिंचा साहब ने चीफ कमिश्नर होते हुए सपोर्ट करते हुए इस बात का विरोध किया और बाद में हम इसको फॉलोअप करते रहे और उसका परिणाम यह हुआ कि जो मुख्य बिल में, ओरिजिनल बिल में, मूल बिल में जो ये बात, ये प्रोविजन नहीं था स्पेशल स्कूल्स का, वो शामिल कराया गया। सबसेक्शन 2 जो है वो इस मुफ्त शिक्षा को केवल एनरोलमेंट तक सीमित नहीं रखता बल्कि इस अधिकार को अर्थपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न स्तरों की सरकारों और स्थानीय निकायों का यह दायित्व तो निर्धारित करता है कि वह यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रत्येक दिव्यांग बच्चा मुफ्त शिक्षा एक यथोचित वातावरण में, यथोचित वातावरण एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट का मतलब क्या, जिसमें आपको आपको किताबें मिलें, ब्रेल बुक्स मिलें, लो विजन को लार्ज प्रिंट में बुक्स मिले, आपको असिस्टिव डिवाइस मिले हमारे बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को, आपको कैरिकुलम में जहां संशोधन की आवश्यकता है वो संशोधन किया जाए करिकुलम पाठ्यक्रम, आपको परीक्षा में स्ट्राइक मिले, एक्स्ट्रा टाइम मिले, ये सब चीज़ें, आपको रिसोर्स सेंटर्स की सुविधा मिले, स्पेशल टीचर्स आपको ब्रेल आदि पढ़ाने के लिए हों, ये सब जो है वो 18 वर्ष तक की आयु तक जो मुफ्त शिक्षा है वो इस तरह के यथोचित वातावरण में मिलना का दायित्व या सुनिश्चित करने का दायित्व सरकारों पर विभिन्न स्तरों पर है और स्थानीय निकायों पर, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं। नेक्स्ट जो है हायर एजुकेशन से संबंधित है और ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अर्थात कॉलेजेस में ग्रेजुएशन लेवल पे, क्योंकि आपने देखा अप टू 12th तो फ्री एजुकेशन हो गया, एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में हो गया, अब स्कूल एजुकेशन के बाद कहीं कॉलेज में आपको प्रवेश ही ना मिले, इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए और आपकी उच्च शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सेक्शन 32 है जिसमें जो सरकारी उच्च शिक्षा के संस्थान हैं या वो उच्च शिक्षा के संस्थान जो सरकार से अनुदान लेते हैं, सहायता लेते हैं, उन संस्थानों में 5% से कम सीटें
आरक्षित नहीं की जाएंगी, अर्थात कम से कम 5% सीटें दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी। ये सब सेक्शन 1 है सेक्शन 32। इस तरह से हर शिक्षा संस्थान में जो गवर्नमेंट का हो या गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त करता हो उसमें 5% सीटों का, कम से कम 5% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है विभिन्न कोर्सेज में। अब यहां समस्या क्या आती है, यहां समस्या ये आती है कि आपने रिजर्वेशन तो कर दिया 5%, लेकिन ये 5% किस तरह से होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा, ओवरऑल होगा, लोग अपने ढंग से रिजर्वेशन कर देंगे, किसी सब्जेक्ट में कर देंगे, किसी में नहीं करेंगे, किसी में ज़्यादा करेंगे, किसी में कम करेंगे, और किसी में ज़्यादा ऐसे में कर दें जिसमें दृष्टिबाधित एडमिशन लेते नहीं, परसू नहीं करते, साइंस में मान लीजिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इनमें, और पॉलिटिकल साइंस में कम कर दें, हिस्ट्री में कम कर दें, लैंग्वेज में कम कर दें। ये जो स्थिति है ये एक समस्या है, और इसके लिए हमको JNU के MPhil PhD के एडमिशन को लेकर उनको दिल्ली उच्च न्यायालय में एक PIL डालनी पड़ी थी, और वो हमारे पक्ष में आई थी, और उसमें न्यायालय ने ये कहा था कि उचित स्ट्रेटेजी बना के सबके साथ न्याय करके ओवरऑल 5% का आरक्षण मिलना है, और ये सुनिश्चित करना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। हमने इस संबंध में जो कहा था वो ये कहा था कि ये जो रिजर्वेशन है वो इन प्रपोर्शन टू एप्लीकेशंस रिसीव्ड, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में 100 एप्लीकेशन दिव्यांगों के हैं, तो और वहां पर मान लीजिए 40 सीटें हैं, वहां पे आपने 5% के नाम पर 40 में 2 सीट रिजर्व कर दी, लेकिन एप्लीकेंट हैं 100, और उसके विपरीत बायोलॉजी में मान लीजिए एप्लीकेंट हैं 2 या 10 और सीटें हैं 60, और आपने 10 के लिए भी 3 कर दिए हैं 10 एप्लीकेंट, तो ये इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा प्रयास इसमें जारी है कि कोई ना कोई रूल में ऐसी व्यवस्था आए संशोधन करके जिससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, नहीं तो हम लगातार ये देख रहे हैं कम से कम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कि उस निर्णय के बावजूद पिछले साल भी अन्याय हुआ है और वो अन्याय जारी है। सबसेक्शन 2, इस रिजर्वेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए और इस बात को रेखांकित करते हुए कि हमारी शिक्षा प्रारंभ विलंब से होती है, जो प्रवेश की आयु अगर मिनिमम आयु है कहीं तो उसमें 5 साल की छूट दी गई है, अर्थात अगर मान लीजिए किसी कोर्स में 25 साल की मैक्सिमम एज लिमिट है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम अपर एज लिमिट, सॉरी जो अपर एज लिमिट है 25 साल है, तो दिव्यांग के लिए वो 30 साल, यही सबसेक्शन 2 में बात कही गई है। अब मैं जैसा मैंने कहा था कि कुछ असिस्टिव डिवाइस के संबंध में जो आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि साहब केवल वो 6 से 18 साल तक के जो फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है उसी में लागू होता है, और इसलिए हम केवल वहीं तक हम यूनिवर्सिटीज़ के लिए देने के लिए उत्तरदायी नहीं है,
ये दायित्व यूनिवर्सिटी का नहीं। तो इस पर मैं आपसे दो प्रावधानों पर बात करना चाहूंगा। एक सेक्शन 27 है रिहैबिलिटेशन का, इसके तीन सबसेक्शन हैं। सेक्शन 27 का एक क्या कहता है कि सरकारें और स्थानीय निकाय विभिन्न स्तरों पर अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार और विकास की स्थिति के अनुसार वो सभी सेवाएं और प्रोग्राम्स चलाएगी जो दृष्टिबाधितों और दिव्यांगों के दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए आवश्यक हैं। और ये पुनर्वास किन किन क्षेत्रों में, पर्टिकुलरली विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में। अब आपने देखा कि ये रिहैबिलिटेशन का दायित्व दिया गया किस किस क्षेत्र में, उन रिहैबिलिटेशन के लिए क्या क्या करने को कहा गया, किन क्षेत्रों पर ध्यान देने को कहा गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और हमको यहां पर ये समझना बहुत जरूरी है कि जो रिहैबिलिटेशन की परिभाषा क्या है, क्योंकि कोई कह सकता है रिहैबिलिटेशन का मतलब जो बड़े संकुचित अर्थों में लोग लेते हैं, रिहैबिलिटेशन का मतलब कहीं से आप अपरूट हो गए तो आपको दूसरी जगह रिहैबिलिटेट कर दे, वो नहीं है इसका मतलब। रिहैबिलिटेशन का को परिभाषित किया गया है इस एक्ट में और बड़े विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया, ये नहीं कि बहुत नैरो सेंस में इसको परिभाषित किया गया है। जो अभी आप देखेंगे, अभी हम आपसे जो चर्चा करेंगे उससे आपको यह एहसास हो जाएगा कि रिहैबिलिटेशन कितने विस्तृत रूप से परिभाषित यहां पर किया गया है। ये जो परिभाषा है रिहैबिलिटेशन की, वो सेक्शन 2 के जेड ए में है और उसके अनुसार पुनर्वास वह प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य दिव्यांग जन को अपनी क्षमता का को पूर्ण रूप से प्राप्त करने और उसको बनाए रखने, जिसमें शारीरिक क्षमता, सेंसरी क्षमता, बौद्धिक क्षमता, मनोवैज्ञानिक और एनवायरमेंटल और सोशल फंक्शंस लेवल्स को के क्षेत्र के लिए अपनी क्षमता निर्माण और क्षमता बनाए रहने की प्रक्रिया का नाम ही पुनर्वास है। तो अब आप देखिए कितने विस्तृत है रिहैबिलिटेशन का, ये एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि दिव्यांग जन समर्थ हो सके अपने शारीरिक, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और सोशल फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करें और उसको बनाए रखें। अब आप देखिए तो एसिस्टिव डिवाइस इस प्रक्रिया में इनेबलिंग है या नहीं है? आंसर कोई ये नहीं कह सकता कि इनेबलिंग नहीं। और यदि ये इनेबलिंग है तो डीयू द्वारा जो ये तर्क दिया गया कि हमें केवल 18 वर्ष की आयु तक स्कूलों में ही
असिस्टिव डिवाइस देना हमारी जिम्मेदारी है, ये कहां तक इस एक्ट के मुताबिक सही है, यह हमको एग्जामिन करना है। आपने देखा कि सेक्शन 27 में साफ कहा कि पुनर्वास के लिए जो प्रयास हैं वो सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विशेष रूप से करने होंगे। और इसके बाद इसी से जुड़ा एक दूसरा प्रावधान है जिसको भी हमको समझना बहुत आवश्यक है, इसी से जुड़ा हुआ है, चूंकि वो सेक्शन 24 है, उसका हेडिंग है सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, और वो क्या कहता है, इसके तीन सबसेक्शन हैं और सबसेक्शन 1 जो गाइड सबसे गवर्निंग सेक्शन सबसेक्शन है वो कहता है कि सरकारें विभिन्न स्तरों पर अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की स्थिति के अनुसार वो सब आवश्यक स्कीम्स और प्रोग्राम्स चलाएंगी जिससे दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा हो और उनको आगे ले जाना संभव हो और उनका जो जीवन स्तर है वो एडिक्वेट स्टैंडर्ड का हो और साथ ही वह स्वतंत्रता पूर्वक रहने के काबिल बने और उनको कम्युनिटी में भी स्वतंत्रता पूर्वक रहने की स्थिति बने। मैं उसके बाकी सबसेक्शंस पर नहीं जा रहा, सोशल सिक्योरिटी पर मैं डिटेल में बाद में आगे बात करूंगा किसी समय, लेकिन अभी इसके सबसेक्शन 3 पर आना चाहता हूं। सबसेक्शन 3 इसी सेक्शन का 24 का क्या कहता है कि जो सबसेक्शन 1 में स्कीम की बात कही गई, मैंने कहा ना कि उनके इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए उनको कम्युनिटी में रहने के लिए क्षमतावान बनाने के लिए सरकार का दायित्व होगा स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाए और चलाए। उन स्कीम्स का जिक्र किया गया है विशेष रूप से किन किन चीजों के लिए उन स्कीम्स को चलाया जाना चाहिए या उन स्कीम्स के तहत क्या क्या होना चाहिए, सबसेक्शन 3 में कहा गया है। और आज केवल मैं रेलेवेंट इशू पर आऊंगा, जैसा मैंने कहा विस्तार से इस सेक्शन पर फिर आएंगे एसएसटी डिवाइस को लेकर। सबसेक्शन 3 कहता है द स्कीम्स अंडर सबसेक्शन 1 शैल प्रोवाइड फॉर, बहुत कुछ है वो मैं छोड़ रहा हूं, मैं सीधे सीधे आऊंगा। F3 का F, प्रोविजंस फॉर एड्स एंड अप्लायंसेस, मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक सर्विस एंड करेक्टिव सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज विद सच इनकम सीलिंग एज मे बी नोटिफाइड। वहां पर 6 से 18 वर्ष इसलिए कहा था उसमें सेक्शन 17 में जिसका वो जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वहां पर फ्री स्कूल एजुकेशन की बात थी, लेकिन स्कूल एजुकेशन के दौरान केवल एड्स एंड अप्लायंसेस देना जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद भी जीवन के हर क्षेत्र में इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एड्स और अप्लायंसेस देना भी दायित्व है। और यहां पर एक चीज के आज की परिस्थितियों के आधार पर एक बात और कहूंगा कि इस सबसेक्शन में
एक सबसेक्शन थ्री के सबसेक्शन थ्री के सी में डिजास्टर्स की बात कही गई है। क्या कहा है? सपोर्ट, सरकारों को सहयोग देना होगा, उनको सपोर्ट प्रदान करना पड़ेगा। किन परिस्थितियों में? ड्यूरिंग नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर इन एरियाज ऑफ कंफ्लिक्ट, प्राकृतिक आपदा या युद्ध की स्थिति में दिव्यांगों को सपोर्ट देने के लिए भी स्कीम बनानी होगी। आज क्या स्थिति है? आज कोरोना महामारी नेचुरल डिजास्टर माना गया है, एपिडेमिक है, प्राकृतिक आपदा है। इस प्राकृतिक आपदा में विशेष रूप से सहयोग देने की बात इस सेक्शन में कही है, और वो सपोर्ट भी एड्स एंड अप्लायंसेस भी एक उसका हिस्सा है। तो किसी भी दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये आर्गुमेंट विश्वविद्यालय का बिल्कुल अनफाउंडेड था, और कानूनी रूप से हमारे छात्र छात्राएं एड्स एंड अप्लायंसेस के हकदार हैं, और आज की परिस्थितियों में और भी ज्यादा हकदार हैं। अगर उनको एग्जाम की तैयारी करनी है तो ये मिलने चाहिए, और सेक्शन 42 का भी मैं यहाँ जिक्र करता चलूं, जो एक्सेसिबिलिटी से संबंधित है और शिक्षा से संबंधित इसलिए है कि जो बुक्स हैं, रीडिंग मटेरियल है छात्र छात्राओं को, वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में मिलना चाहिए। ये कोई यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिशन नहीं है, एक्ट के अनुसार उनकी जिम्मेदारी है हर यूनिवर्सिटी की। केवल दिल्ली विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की बात इसलिए करनी पड़ रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस एक्सेसिबल फॉर्मेट में सभी रीडिंग मटेरियल को देने से कतरा रहा है, और इसलिए कोई डेफिनेट आंसर नहीं देता है, घुमा फिरा के बात करता है। लेकिन मैंडेट एक्ट का ये है कि उनको, आपने जिन जिन रीडिंग मटेरियल की मांग की हमारे छात्रों ने, वो उनको देनी होगी और देनी चाहिए, उनका दायित्व है। सेक्शन 42 जैसा मैंने कहा एक्सेसिबिलिटी का एक बड़ा इस मामले में सशक्त प्रावधान है, जिसका हेडिंग है सूचना और संप्रेषण तकनीक में एक्सेस, और सेक्शन 42 ये इसका हेडिंग है ये। और सेक्शन 42 कहता क्या है ये, कि सरकारें हर स्तर पर वो सारे कदम उठाएगी जिससे यह सुनिश्चित हो कि जो भी विषय वस्तु ऑडियो फॉर्म में हो, प्रिंट फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध हो। वर्ड है शैल, और ये वर्ड है टू एंश्योर, सुनिश्चित करना, और ये काम दिल्ली विश्वविद्यालय का है, दायित्व है उसका। ओपन बुक एग्जाम करा रहे हैं इसलिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में देना उनका दायित्व। मैं सेक्शन 42 बाद में जब एक्सेसिबिलिटी पे बात करेंगे तब विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन मैंने आपको आज केवल इस शिक्षा के संदर्भ में इसके इस एक पार्ट के जो महत्वपूर्ण था उस पर आपसे चर्चा की है। नाउ फ्रेंड्स, एज आई सेड, वी विल डील विद सेक्शंस 30 and 31 विच आर ऑल्सो रिलेटेड टू एजुकेशन। सेक्शन 30 डील्स विद स्कूल एजुकेशन, वाइल सेक्शन 31 डील्स विद हायर एजुकेशन। सेक्शन 31 डील्स विद स्कूल एजुकेशन एंड सेक्शन 32 डील्स विद हायर एजुकेशन। वाइल सेक्शन 30 एंड दे आर इन इट इन चैप्टर 6 विच इज स्पेशल प्रोविजंस
फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज. सेक्शन 31 starts with a non-obstante clause which says that notwithstanding anything contained in rights of children to free and compulsory education act 2005-9, every child with benchmark disability between the age of 6 to 18 years shall have the right to have free education. And where option is given here to the children, either in the neighborhood school, that is a mainstream neighborhood school, or in a special school of his choice. So government cannot thrust, even family cannot thrust. If a child wants to go to a special school, child is free to go there, and government is bound provide education to that child in a special school. Subsection 2 of this section makes an important provision that this right is not only restricted to the enrollment in either in special school or neighborhood school. This right is more than that. And what is that? That the appropriate government and local authorities are obliged to ensure that every child with benchmark disability has access to free education, which already has been talked of in subsection 1, in what manner? In an appropriate environment. An appropriate environment means a lot. They should be given braille books or large print school books or teaching in sign language with the help of sign language, modification of curriculum. All these were provided in section 17. Modification of curriculum, facility of scribe, and so on and so forth, till he attains the age of 18 years. I must remind you that this section, particularly subsection 1, was not there in the original bill. And people were trying to do away with the special school or special educational programs in the name of inclusive education, which we fought and we ultimately won, succeeded in getting it included rather than excluded or eliminated. Section 32 deals with reservation in higher educational institutions. All higher educational institutions of the government and those receiving aid from the government are obliged to reserve not less than 5% seats for students with benchmark disabilities. This provision does not, however, ensure no modality has been provided, any modality has been provided in the rules to ensure that this 5% seats are equitably distributed among different categories of disability and in different subjects or courses. And that invited a litigation in the form of public interest litigation, which was filed by National Federation of Blind against GNU with regard to the reservation in MPhil and PhD courses 2 years back. We succeeded in getting an adjudication that the respective educational institution shall ensure that the reservation is done equitably and not subject wise but overall. But the problem still lies in ensuring an equitable distribution, for which we have to continuously work. Subsection 2 grants a relaxation of 5 years in the upper age limit to any courses. So that is section 31 and 32. As I said yesterday, that we will, in order to
examine the fallacious argument advanced by Delhi University during the hearing in PIL that the responsibility to provide assistive devices without cost or free of cost is limited to children up to the age of 18 years, that is in school education and not in higher education. This is also fallacious. As I said, we have to look at Section 27, which deals with rehabilitation, and Section 27 dealing with rehabilitation categorically provides or mandates or obliges the appropriate government and local authorities to undertake or cause to be undertaken services and programs of rehabilitation, particularly in which areas? In the areas of health, education and employment for all persons with disabilities. And what does the rehabilitation mean? Rehabilitation is not simply putting some displaced person to another place. Rehabilitation has been very widely defined in the Act as per Section 2ZA of the Act, which provides that rehabilitation is a process. It's a process, and the process is aimed at what? Is aimed at I will give you the exact words. Rehabilitation refers to a process which is aimed at enabling persons with disabilities to attain what? And maintain, not only attain. First you attain and then you continue to maintain it. What a person with disability should attain and maintain as a result of this process of rehabilitation? Optimal physical, sensory, intellectual, psychological, environmental or social function levels. See, everything included. It's a kind of process of capacity building, aimed at capacity building to enable persons with disabilities to attain and maintain optimal in physical terms, in sensory terms, in intellectual levels, in psychological levels, environmental or social function levels. And Section 27, we saw that this process is particularly in the area of health, education and employment. Now, coupled with this is another provision, which is the provision relating to social security, which is Section 24. Section 24, subsection 1, I am not going to deal with this section at this juncture in detail, but I am only restricting myself to the issue of assistive devices in education, provision of assistive devices without cost by educational institutions as a part of rehabilitation process. Section 24.1 obliges appropriate government and local authorities within its economic capacity and development to formulate necessary schemes and programs to safeguard and promote the rights of persons with disabilities for adequate standard of living to enable them to live independently or in the community.
Now we go to subsection 3, which gives the details of the scheme, what those schemes should provide. And in that subsection 3, subsection 3F especially talks of provisions of aids and appliances, medicine and diagnostic services, and corrective surgery free of cost to persons with disabilities with such income ceiling as may be notified. So, you see the fallacy of the argument of Delhi University. In order to decline the provision of SST devices by the respective colleges and university, which is not sustainable in law, the students have a right to get it, and we will ensure that they get it. And we have already got a direction from the High Court, and they are obliged to give it. So, friends, that completes the today's deliberation. Tomorrow we will start with other important provision, when we will start with equal opportunity policy tomorrow. So, dosto, aaj ka discussion yahi tak. Kal hum equal opportunity policy se prarambh karenge. Yadi aapke koi sawal ho, to 5 minute mein aap wo sawal pooch sakte. Is there any amount decided for assistive devices which we can demand? Please clarify. No, there is no amount mentioned in the Act, but the assistive device scheme, which is run by the Government of India, has put a cap of 15,000 rupees for assistive devices. Priyesh Gupta. Namaste, sir. मैं प्रियेश गुप्ता एड्रेस स्क्रीन के तहत सरकार द्वारा बांटे जाने वाले डिवाइस सेक्शन 27 का ही हिस्सा है. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सेक्शन 27 और सेक्शन 24 तीन का हिस्सा है. सम्मानीय रुंगटा सर द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों पर जो जानकारी दी जा रही है, ये भारत के इतिहास में सरकार व किसी सामाजिक संगठन द्वारा नहीं दी जा रही. विजय कुमार पांडे. बस और तो कुछ नहीं. धन्यवाद मित्रों, कल फिर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी से प्रारंभ करेंगे. तब तक के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा. थैंक यू वेरी मच. वील स्टार्ट टुमारो विद इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी. टिल देन, गुड बाय.